ये अद्भुत आविष्कार है बिहार के लाल का। बंद हो गई टॉर्च। इस टॉर्च की खूबी क्या है? ये आवाज से और ताली से मतलब जलता है। मतलब हम ताली बजाएंगे तो ये टॉर्च जलने लग जाएगी। आगे चलकर क्या बनना है आपको? हमको एपीजे अब्दुल कलाम बनना है। रॉकेट भी लॉन्च कर दिए हैं जी। क्या बात कर रहे हैं? हम मोबाइल से अनेक किलोमीटर दूरी से हम उड़ाते हैं, कहीं भी रहे हम घरे से उड़ाते हैं। तो डीआरडीओ और नासा के पास ऐसा तकनीक नहीं है? नहीं है। अभी जिसने ऑफर दिया था ना, लेकिन पांच देश ने ऑफर दिया जी। ऑफ ऑन ऑफ ऑन। बिहार के लाल ने कर दिया अद्भुत आविष्कार। इनके बोलने पर ये जो टॉर्च है हाथ में, ये जल जाती है और अपने आप बंद हो जाती है। यानी इसका आविष्कार किसी और ने नहीं, रमानंद पासवान ने किया है। और ये छोटे से घर में गरीब घर के बेटे हैं, छोटे से घर में रहते हैं और यहीं पर जो है ये अपना तमाम प्रकार का आविष्कार करते रहते हैं। ये भागलपुर जिले से हैं और इसी बीच इन्होंने एक ऐसी टॉर्च बना दी है जो भारतीय सेना के लिए काफ़ी काम आ सकती है। दुश्मन के चीपू करने पर, यानी थोड़ी सी भी आवाज करने पर, यह टॉर्च आवाज सुनते ही स्वतः जलने लग जाएगी। यह टॉर्च किसने बनाया? जी मैंने बनाया। इस टॉर्च की खूबी क्या है? ये आवाज से और ताली से मतलब जलता है। मतलब हम ताली बजाएंगे तो यह टॉर्च जलने लग जाएगी और हम कहेंगे कुछ भी बोलेंगे तो जलने लग जाएगी। अलर्ट हो जाएगा जी। तो अभी तो हम बोल रहे हैं तो जल तो नहीं है। तो यहाँ पे आप रखिए, आप देखिए। अच्छा ये देखिए। अच्छा मतलब आप ताली बजा रहे हैं तो जल रही है जी। फिर से ताली बजाइए। रुकिए, बंद कीजिए। अच्छा मैं करूं? तुम्हारे हाथ में सेंसर लगा इसकी वजह से, या मैं भी कर सकता हूं? आप भी करिए। अच्छा मैं भी करूं। अब चलिए ये टॉर्च जो है मैं देख के बताता हूं कैसे जलेगी। ये आवाज से भी जलती है जी, आपकी आवाज अलग। अच्छा आप ताली बजाएंगे, रुकिए। बंद हो गई टॉर्च, आवाज सुनते ही जल गई। देखिए यह अद्भुत आविष्कार है बिहार के लाल का। और इन्होंने तुरंत टॉर्च ऐसी बनाई है जो ताली से जल जाती है और आवाज सुनते बंद हो जाती है। और यह आविष्कार इससे पहले किसी और ने किया था? नहीं नहीं, पहले मैं बचपन से मतलब करीब 5-6 साल हो गया है करने से, अभी तक कहीं मुझे सरकार तक खबर नहीं गया है। हाँ, सरकार ध्यान नहीं दे रही है जी। अच्छा इधर और थोड़ा पास आइए। इस टॉर्च से क्या फायदा हो गया? क्योंकि अब तो सब जगह लाइट पहुंच गई, बिजली पहुंच गई, तो अब तो टॉर्च का खत्म है। लोगों के मोबाइल में टॉर्च आ जा रहा है, फ्लैश लाइट आ जा रहा है, तो इससे क्या उपयोग? इससे उपयोग होगा, सैनिक अगर बॉर्डर पर अगर रखा जाएगा तो वहाँ मतलब ये अलर्ट हो जाएगा। मतलब कोई भी हमला होता है, हमला से पहले अलर्ट हो जाएगा। अगर घर में कोई आते ही मतलब ये पहले हमारा टॉर्च अलर्ट हो जाएगा। मतलब किसी के पैर की आवाज सुनेगा, चीपू सुनेगा, बस अलर्ट हो जाएगा जी। इसको बनाने में कितना दिन लगा आपको? बनाने में मतलब रिसर्च करने में हमको 3-4 साल लग गया। 3-4 साल रिसर्च जी। वाह वाह, कितना पढ़े हैं? पढ़े हैं सर 8 तक। अब 10 में मेरा एडमिशन हो गया। 8वें पास है आप बस जी, यानी 9वें फेल जी सर। और 9वें फेल जो है युवा वैज्ञानिक ने बना दिया है टॉर्च जो अद्भुत है अपने आप में, और वो ऑन ऑफ मुंह से बोलने पर होती है जी। अच्छा ये बताइए इसको बनाने में कितना खर्चा आया? खर्च इसमें बहुत कम है अभी तो, मतलब ये मतलब 2-2.5 से में मतलब ये मतलब फिनिशिंग हो जाता है। जब इसको मार्केट में लॉन्च किया जाएगा तो ये काफ़ी 10-15 में ये तैयार हो जाएगा। 10-15 में क्या क्या सामान इसमें लगाएं जिससे ये हो रहा है? तो ये तो हमारा सीक्रेट प्लान है, पैटर्न होने के बाद ही मतलब सीक्रेट प्लान है जी। वाह वाह, और यहीं पर इसी पर सब करते हैं रिसर्च जी। आगे चलकर क्या बनना है आपको? हमको एपीजे अब्दुल कलाम बनना है। एपीजे अब्दुल कलाम जी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जानते हो कौन है वो? जी मिसाइल मैन। उन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया, वो मिसाइल मैन है। तो हम भी तो मतलब परीक्षण कर दिए, सोशल मीडिया खोल कर देख लिया, मोबाइल से रॉकेट लॉन्च किया हूँ। रॉकेट भी लॉन्च कर दिए हैं जी। क्या बात कर रहे हैं? मोबाइल से अनेक किलोमीटर दूरी से हम उड़ाते हैं, कहीं भी रहे हम घरे से उड़ाते हैं। क्या उड़ाते हैं? रॉकेट को अभी मतलब उसको हम डेवलप करेंगे, हम भी घातक डिफेंस सिस्टम बनाएंगे कुछ। घातक डिफेंस सिस्टम बनाएंगे जी। मतलब तुम घर पे यहाँ पर आप रहोगे और तुम्हारा रॉकेट जो है खेत में रहेगा। हाँ। और बटन दबाओगे वो? जी हम मोबाइल से उड़ा रहेंगे। तो ये तो टेक्नोलॉजी पहले से भी है भारत में? नहीं है, मतलब मेरा हट डीआरडीओ में है पहले से? नहीं, मेरे कॉल के थ्रू से उड़ता है। अच्छा फोन से जी। तो डीआरडीओ और नासा के पास ऐसा तकनीक नहीं है? नहीं है अभी। वाह वाह, और क्या आविष्कार किए हो जरा बताइए आप? ये भी टॉर्च है। अच्छा ये पुरस्कार भी मिल चुका है आपको? ये भागलपुर में मुझे मिला है। कौन दिया? डीएम साहब को, वहाँ डीएम साहब दिए हैं। और क्या ये क्या लिए हो? ये पासपोर्ट। अच्छा, है पासपोर्ट फ्रांस के लिए जी। कहाँ? फ्रांस के लिए मुझे 5 देश ने ऑफर दिया था ना, लेकिन 5 देश ने ऑफर दिया जी।
कहाँ जाने, क्या करने के लिए? वहाँ एक्सपेरिमेंट सेंटर मुझे बुलाया पेटेंट करने के लिए, रिसर्च सेंटर में मतलब मुझे वैज्ञानिक का बुलाया था, लेकिन हम कोरोना मतलब भागलपुर के लाल को जो है रूस कहाँ से आया था, फ्रांस से फोन आया था कि आइए रिसर्च कीजिए जी। फेक फॉल ऑन तो नहीं था? नहीं नहीं फेक, अभी भी बात होता है राजन सर से, इसीपुर बाराहट फाउंडेशन के। ये पासपोर्ट कौन बनवा के दिया? वही फ्रांस की तरफ से मुझे बना। आराम से जाइएगा, और ये हमको लग रहा है तुम्हारे साथ धोखाधड़ी होने वाला है, इसलिए फ्रांस वहां समझ जाइएगा अभी, ठीक है? नहीं तो वहां जाइएगा, कहीं कोई बेच वोच देगा, काम खत्म हो जाएगा। ये पासपोर्ट वासपोर्ट अभी घर पे ही रखिए, यहीं रिसर्च कीजिए, ठीक है? यहीं कीजिएगा, फ्रांस जाओगे? नहीं हम फ्रांस ही जाएंगे। फ्रांस ही जाएंगे, जब देश उतना इंडिया वाला ध्यान ही नहीं दे रहा है तो उधर भेज देंगे। तो ये तो टॉर्च पहले से फ्रांस में बना है बहुत सारा। नहीं बना है अभी टेक्नोलॉजी ने, अगर आता तो पूरा मार्केट में नहीं आता। आप जाइएगा फ्रांस, लेकिन अभी बताइए अभी और क्या नया बनाए हैं? और एक नया ये बल्ब मैंने डेवलप किया, बल्ब इससे क्या होगा? इससे मतलब जैसे घर में ये लगा सकते हैं आप। तो ये तो जल बुत रही है, खराब हो गई क्या? नहीं नहीं आपके कहने अलर्ट जो हो रहा है ना, ये भी यूनिक है। यूनिक मतलब इसमें क्या यूनिक है? मतलब आपके बोलने पर ये माइक सिस्टम है। अच्छा, मतलब मैं बोलूंगा तो ये जल जाएगी? और आराम से बोलिएगा, तब ना ये अलर्ट हो रहा है ना। ऑन, सिर्फ एक बार बोलना ऑन, जैसे हम बोलते हैं एक बार। आप लोग मतलब इसका ट्रेनिंग लेना पड़ता है। ट्रेनिंग जी? अभी तो ऑन। वाह वाह, अब आप कीजिए से ऑन। अब हम बोलेंगे जी ऑफ ऑन, ऑफ ऑन, ऑफ ऑन, ऑफ ऑन। वाह वाह वाह, भागलपुर के लाल ने कर दिया अद्भुत आविष्कार है। अब फ्रांस भी जाएंगे आप? फ्रांस का मतलब कंफर्म जाएंगे, वहाँ पे कंफर्म जाएंगे जी। वाह, तो यही दो चीज बनाई और मिसाइल बनाया। जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम फ्रांस जाने लगा तो भारत सरकार उसको रोका था, उसी तरह का मेरा भी होगा, जब फ्रांस जाएंगे तो भारत सरकार रोकेगा। रोकेगा आपको जी? देखिए ये गरीब परिवार से है, दलित परिवार से है, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, ये फ्रांस अमेरिका रूस इंग्लैंड थाईलैंड नागालैंड कानपुर जाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हम इनको रोक रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके नाम पर ठगी हो जाएगी, जाएंगे और वहां से निराश होकर आएंगे, इसीलिए ये ना जाएं और जो है इनको भारत सरकार ही सहयोग करे, ये तमाम रिसर्च अपने घर पे करें, और ये इंग्लैंड महाराष्ट्र और इसके बाद जहां भी जाना इनको फ्रांस फ्रांस वहां मत जाइए अभी, ठीक है? बाकी ये बहुत सारा अच्छा आविष्कार कर रहे हैं और बहुत बढ़िया ये आविष्कार कर रहे हैं, इसकी सराहना होनी चाहिए। वैसे भी बिहार में बहुत सारी प्रतिभा है और उन प्रतिभा को निखारने की जरूरत है, और अगर आपके पास हुनर है तो जो है रात में आपको भटकना नहीं पड़ेगा। जो है रात में जुगनू भी अपना रास्ता ढूंढ लेता है अगर अपनी चमक की वजह से, क्यों जी सर? और कहीं ना कहीं इनको हुनर मतलब डिग्री और उम्र की जरूरत नहीं होता है। हाँ, हुनर के आगे डिग्री और इसका जरूरत नहीं होता जी। तो डीआरडीओ में जाने का सपना है? हाँ जी, मुझे डीआरडीओ या इसरो मुझे आर्थिक सहायता करे, मैं देश के लिए नया रिसर्च करूंगा। इसरो और नासा जाइएगा जी। वाह वाह, बिहार में वैसे भी बहुत सारी प्रतिभा, उस प्रतिभा को निखारने की जरूरत है। हमारे साथ युवा वैज्ञानिक रामानंद पासवान जी हैं, कुरमा गाँव के भागलपुर जिला से हैं, और ये बहुत सारा आविष्कार किए। ये बल्ब जल रहा है जो ऑन ऑफ होने पे कहने पे बंद हो जाता है, जल जाता है। डेवलप किया है और मेक इन मेड इन इंडिया बनाए, मेड इन इंडिया बनाए हैं। एक टॉर्च है, इसको भी बोलिएगा ऑन ऑफ ऑन ऑफ, तो ये भी जलता बुझता है। और इसके बाद इसी घर में ये सब इस कबाड़ से ये सब चीज बनाए हैं, कबाड़ से बना दिया अद्भुत टॉर्च जी। मैं अभी फाइबर रिसर्च कर रहा हूँ। फाइबर, उससे क्या होगा? उससे मतलब मैं मोबाइल में एक सिम बना रहा हूँ जो कि उसी में सिम रहेगा, और उसमें क्या होगा कि मतलब डीटीएस सिस्टम चलेगा, बिना नेट का ही चलेगा डीटीएस, जिस तरह टीवी देखते हैं ना उसी तरह मोबाइल में अपना सिम बनाइएगा जी। तो अंबानी जी को तो फिर चैलेंज दीजिएगा तब। तो अंबानी तो चैलेंज करना ही पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही बिहार के लाल की जरूरत है। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार। इनका फोन पे गूगल पे नंबर, इनकी प्रतिभा को आप लोग सलाम कर सकते हैं कुछ डोनेशन देकर। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का धन्यवाद।